नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 154 हंड्रेड ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है ट्वेंटी सेवंथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे इधर अपना नाम लिखेंगे इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से एक नया चैप्टर करने वाले हैं द गिविंग ट्री जो कि आपकी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर वन वन पर आप देख सकते हैं चलिए फिलहाल इस वर्कशीट को शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हाउ वॉज द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर यानी इस साल की रिपब्लिक डे परेड आपको कैसी लगी वॉजेंट द परेड ऑन राजपथ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल यानी जो राजपथ पर परेड हो रही थी क्या हमारे लिए गर्व का एक मौका नहीं था हाँ बिल्कुल था चलिए नाउ लेट अस कम्पलीट दैराग्राफ गिवेन बिलो बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम इन देल्टी वो कह रहा है कि ये साइड में जो पैराग्राफ दिया है इसमें कुछ वर्ड्स नहीं है हमें उनको कम्प्लीट करना है इन हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड से चलिए इसको शुरू करते हैं इंडिया सेलिब्रेट इट्स रिपब्लिक डे ऑन ट्वेंटी एवरी ईयर यानी इंडिया क्या करता है सेलिब्रेट करता है क्या इट्स रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे सेबरेट करता है अपना ऑन यानि कब ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी एवरी ईयर यानी हर साल छब्बीस जनवरी को इट इज अ डे ऑफ ग्रेट डैश फॉर ऑल द इंडियंस ये दिन एक ग्रेट किस चीज का है अ ग्रेट प्राइड ठीक है प्राइड यानी गर्व फॉर ऑल द इंडियंस यानी हम सब इंडियंस को इस दिन बहुत ही गर्व महसूस होता है अ ग्रेंड ग्रैंड का यानी ग्रैंड का मतलब यानी बड़ा अ ग्रैश

द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स दल्यूट ऑफ दिस पर जितने भी हमारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो सेल्यूट करते हैं किसको को सेल्यूट करते हैं इंडिया के प्रेजिडेंट को ठीक है डैश ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस डैश विद प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म्स तो यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा सोल्जर्स ठीक है कौन से सोल्जर्स सोल्जर्स ऑफ द आर्मी यानी आर्मी के सोल्जर्स नेवी यानी नेवी के सोल्जर देखिए आर्मी कौन है जो जमीन पर लड़ाई करती है नेवी कौन होती है जो पानी पर लड़ाई करती है और एयर फोर्स जो हवा में लड़ाई करती है एंड अदर डिफेंस फोर्सेस और इनके अलावा जो भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो सब क्या करते हैं डैश विद प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म वो सब मार्च करते हैं ठीक है मार्चिंग करते हैं वो एक दो एक एक दो एक तो इस तरीके से मार्चिंग करते हैं विद प्राइड यानी गर्व के साथ अपनी यूनिफॉर्म पहनकर चिल्ड्रन शोइंग ब्रेवरी आर आल्सो अवार्डेड ऑन दिस डे यानी जो बच्चे बहादुरी का प्रतीक बनते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है एंड आर अ पार्ट ऑफ द परेड और इस परेड का हिस्सा बनते हैं द इंडिया गेट इज़ ब्यूटिफुली डैश एंड आर नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री ब्यूटिफुली क्या होता है डेकोरेटेड यानी उसको सजाया जाता है इंडिया गेट को और क्या होता है country, और नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री और सबसे ऊंचा हमारा झंडा फहराया जाता है चलिए आइए देखते हैं नंबर दो पर क्या है डियर चिल्ड्रन ड्रॉ अ सीन फ्रॉम द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दैट यू सो ऑन टी वी एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर टीचर्स तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट हो रहा था उसका एक चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है और अपने टीचर को भी उसकी फोटो भेजनी है चलिए आगे बढ़ते हैं लाइक द नेशनल फ्लैग वी हैव अदर नेशनल सिम्बल्स टू यानी जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है उसके साथ साथ हमारे और भी नेशनल सिम्बल यानी प्रतीक होते हैं कौन से एज यू नो द बनियन ट्री ठीक है इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया यानी इंडिया का नेशनल ट्री क्या है बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ लुक एट द डिफर ऑफ द ट्री इस पर ये देखिए यहाँ पर फोटो भी है तो इसके अलग अलग हिस्सों को देखिए डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग क्या तुमने कुछ अजीब सी चीज नोटिस की हाँ, ये देखो इसकी जड़ें ऊपर से आ रही हैं। ये यू विल नोटिस दैट द रूट्स ऑफ द बनियन ट्री आर हैंगिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस यानी जो इस बनियन ट्री की रूट्स हैं वो कहाँ से लटक रही है Hanging का मतलब लटकना डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ और ब्रांचेस मतलब डालियां तो इसकी जो जड़ें हैं वो इसकी डालियों से नीचे की तरफ लटक रही हैं दिस मेक्स द बनियन ट्री यूनिक और ये इसको बनियन ट्री को क्या बनाता है यूनिक यानी अनोखा चलिए करना क्या है नंबर थ्री पर लिखा है रीअरेंज गिवन बिलो टू मेक अ वर्ड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्री वन हैज़ बिन डन फॉर यू यानी यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स को इन्होंने गलत कर दिया है आगे पीछे कर दिया है हमें उसको सही करके लिखना है और ये सारे वर्ड्स कौन से होंगे एक ट्री के पार्ट्स होंगे जैसे ये देखिए ये जो वर्ड है ये क्या है ये रूट्स यानी जड़ें हैं तो इसकी स्पेलिंग इन्होंने गलत की हुई थी यहाँ पर ठीक कर दी है आगे देखते हैं ये क्या है ये वर्ड है branch. ब्रांच ब्रांच यानी डालिया ठीक है फिर क्या है ये देखिए ये है ट्रंक ठीक है ट्रंक का क्या मतलब होता है ट्रंक का मतलब होता है तना फिर क्या है लीफ लीफ का मतलब पत्तियाँ फिर ये क्या है फ्लावर्स ठीक है फ्लावर्स यानी फूल और लास्ट में क्या है फ्रूट फ्रूट यानी फल तो इस तरीके से आप ये सारी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे और इनको लिख लेंगे फिर लास्ट में क्या करना है लेट्स ऑफ इंग्लिश वर्कबुक यानी आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 99 पे जो एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है आज की क्लास यहीं खत्म होती है अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद